क्या हुआ था सर? कैदियों के बीच एक छोटा सा लफड़ा हुआ था। कुछ नहीं हुआ सर। ना लफड़ा हुआ कहते हो, कुछ नहीं हुआ सर। उस कांड के बारे में कहे तो उनका डिमोशन हो सकता है या फिर ट्रांसफर भी। सुनो, मेरा प्रमोशन होने वाला है, तब तक आप लोग इस कांड को दबा के रखो। एक कैदी कत्ल करने की कोशिश कर रहा था, ये देखकर मैं कैसे चुप क्यों? हम सब भी तो थे, हमें छोड़ो। पुलिस वाला कोई भी आया था क्या? भाई पुलिस तो आया था। कभी आया था? आखिर में आया था। भाई ये सब पुलिस वालों की जानकारी में ही होता है। अमीर और शेखर दोनों अलग अलग ग्रुप के हैं, बाहर भी दोनों के बीच लफड़ा चल रहा है। इस जेल में किसी अधिकारी का सपोर्ट रहे तो वो दूसरा कत्ल कर सकता है। कत्ल करके जेल में आ रहे हैं ये सोच रहे हो ना, लेकिन कत्ल करके छुपने की सही जगह यही है भाई साहब। मीटर से ज्यादा पैसे हम लूटते हैं ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन जेल में कितना लूटते हैं? 2 केले के 100 रुपए। विपक्ष पार्टी के लोग जेल के वीआईपी सेल में बड़ा बड़ा चूहा छोड़ देते हैं। विपक्ष पार्टी के लिए किए गए हमारे काम को आप ही की तरह एक प्रेस रिपोर्टर ने बहुत अच्छे से पेश किया है। इस राज्य का कानून सिर्फ बाहर ही नहीं जेल के अंदर भी बहुत ही खराब हो चुका है। जेल में किस तरह के गैर कानूनी काम होते हैं ये इस मैगजीन में लिखा हुआ है। हम लोग इस राज्य में विपक्ष पार्टी होने के नाते रूलिंग पार्टी के खिलाफ धरना देने का फैसला किया है। जेल में हो रही रिश्वतखोरी और कैदियों के द्वारा कत्ल करने की कोशिश, इन सब के विरोध में आने वाले 11 तारीख को चेन्नई कमिश्नर ऑफिसर के सामने विपक्ष पार्टी के नेताओं ने धरना देने का फैसला किया है। सिर्फ यही नहीं, जेल डिपार्टमेंट के बारे में इंक्वायरी करने के लिए भी विपक्ष पार्टी के नेताओं ने सरकार से मांग की है। वार्डन, जेलर, सुपरिंटेंडेंट, डीआईजी, आईजी, आईएएस, इन सबको क्या मैं संभालूं? हमारी जानकारी के बिना एक लड़का जेल के अंदर आकर यहाँ वहाँ के खबरें निकाल कर सारी खबरें छाप दिया। सीएम ने गलती किया ऐसा लोग समझ रहे हैं, मुझे शक की निगाह से देख रहे हैं। कल विपक्ष पार्टी के लोग हमारी पार्टी से सवाल पर सवाल पूछकर हमारी जान खाएंगे। अब तो कुछ करना ही पड़ेगा भाई साहब। इंक्वायरी कमीशन से पूछेंगे? किस इंक्वायरी कमीशन से हम पूछताछ करेंगे हा? ये सब बताकर हम बच नहीं सकते। उस दिन जेल में जो ड्यूटी पर थे उन्हें सस्पेंड कर देते हैं सर। क्या सस्पेंड करेंगे? सस्पेंड सबको एक साथ डिसमिस करो। कल विधानसभा में कुछ ना कुछ तो जवाब देना पड़ेगा ना सर। क्या है? आपको मंत्री पद से हटा दिया है। 40 MLA मेरे भाई के हाथ में है और 14 सालों से लगातार वो जीत कर आ रहे हैं। इसकी यही सजा दे रहे हैं ये सीएम? सीएम को विपक्ष पार्टी पूछे तो उनको जवाब देना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने सोच समझ कर ये फैसला लिया है। क्यों, ये फैसला हम नहीं ले सकते थे क्या? सिर्फ उनको ही अधिकार है, इन सब का जिम्मेदार वो प्रेस वाला है। गुड मॉर्निंग प्रकाश। गुड मॉर्निंग प्रकाश। वो रमेश तुम्हें ढूंढ रहा था। इस हफ्ते सिनेमा स्पेशल पेज में किसका फोटो लगाना है? कैंटीन में है, तुम्हें वहीं बुलाया है। मॉर्निंग प्रकाश। हमेशा अपनी दिशाएं पत्रिका को सिर्फ सोमवार को ही लोग ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन तुम्हारी जेल की उस स्टोरी के बारे में लिखने के बाद विधानसभा में लड़ाई हुई और मंत्री बदल गए, ये सब छपने की वजह से राजीव गांधी मर्डर केस, जयेंद्र सुनामी मैटर के बारे में एक्स्ट्रा कॉपी प्रिंट करनी पड़ी सिर्फ इस इशू के लिए। हाय प्रकाश, इस सप्ताह सिनेमा स्पेशल फ्रंट में क्या डालना है? लेआउट भेजना है? रैपर में रजनी का फोटो डालो, ज्यादा बिकेगा, सर्कुलेशन भी बढ़ेगा। टाइटल क्या है? रजनीकांत का फोटो डालो और नीचे क्वेश्चन मार्क बड़ा डालो। देखा तुमने, विजयकांत भी राजनीति में आ गए। फिर एक काम करो, विजयकांत का फोटो डालो और वक्त ने मुझे राजनीति में लाया है ऐसा एक बॉक्स न्यूज डालो। गुड आइडिया। ए, रजनीकांत की सोचने वाली फोटो डालो। ठीक है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। प्रकाश। गुड मॉर्निंग। उस मिनिस्टर दुरई पांडे को मंत्री पद से निकाल दिया गया, लेकिन हमेशा की तरह कोई ठोस कारण नहीं बताया गया। लेकिन सही कारण तो जो तुमने जेल के बारे में लिखा है वही है, सारे प्रेस वाले भी यही कह रहे हैं। वेल डन। थैंक यू सर। जेल का खाना खाकर जमीन पर सोकर 15 दिन जेल में तूने काटे और वो तुझे आराम से वेल्डन बोल के निकल गया। वो इतना कह दिया, ये तो बड़ी बात है।
अगर तूने कुछ लिखकर राज करने वालों को हटा दिया तो उस दिन तुम मेरे साथ डिनर करोगे, यही उनका मैक्सिमम कॉम्प्लीमेंट्री है। इस प्रोग्राम के लीडर श्री सार जी का स्वागत करता हूँ, इस जिला के सेक्रेटरी भाई मदन जी, इस शहर के सेक्रेटरी भरत जी, और इस तरह सबका नाम लिया तो सूरज निकल जाएगा, इसलिए मैं मुद्दे की बात करता हूँ। अभी इलेक्शन खत्म हो गया है, सब पार्टी के लोग धन्यवाद कहेंगे, यहाँ आपसे मिलने के लिए आएंगे, लेकिन मैं उसके लिए नहीं आया हूँ। क्यों मैं आपको धन्यवाद कहूंगा, सभी जगह से हमारी पार्टी को आपने हरा दिया। हम क्या पद मांगे थे, सिर्फ डिपॉजिट ही मांगे थे ना, जो डिपॉजिट किए हैं उस डिपॉजिट को आपने वापस नहीं दिया, फिर धन्यवाद क्यों कहूंगा, इसलिए धन्यवाद का लफ्ज को हटा दिया मैंने। जब मैं बात शुरू करूंगा तो टावेल लेकर पैसा वसूल करने आएंगे, जब मेरी बात खत्म हो जाएगी तब जितना वसूल होगा वो मुझे दे देंगे, मैं चुपचाप घर चला जाऊंगा। मैं आपके भरोसे पे इलेक्शन में खड़ा हुआ तो मेरा डिपॉजिट जब्त हो जाएगा। 120, 130, 140, 150 बात करने में माहिर हो लेकिन कमाई तो आधी ही है, पता है सिर्फ 1500 रुपए गिनने में मुझे आधा घंटा लग गया। माँ हाँ। मेरे बाल बना दो ना। तुम्हें 5000 रुपया और 10000 रुपया चाहिए तो एडीएम के पार्टी या डीएम के पार्टी की जैसे बड़े पार्टी स्पीकर से शादी करना चाहिए था, हमारी पार्टी छोटी है इसलिए हम कम पैसा देंगे। कृपया करके हमारी पार्टी पे भरोसा करो, हमारी पार्टी जब राज करेगी तब हम ज्यादा पैसा देंगे, उस समय मैं पैसा दूसरे को नहीं दूंगा, जरूर तुम्हें दूंगा। अरे वाह, एक अच्छी खबर मिल गई, सही बातें सही करना, खुशी चेहरा आम जनता के लिए काम करने वाला हो तो। 6-7 पेपर एक साथ खरीद लेते हो, पेपर का बिल ही 1500 रुपए आ जाता है, इतने पेपर की क्या जरूरत। हमारी पार्टी के लोग कोई भी पेपर नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ आज के पेपर में क्या लिखा है ये सुनते हैं, हमारे जैसे लोग उनको समझाते हैं उसी से हमारी जिंदगी चल रही है, समझ गई ना, और उसका कमाल है पेपर है। आप बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, वो बाला भाई को देखो, घर के लिए कितना सारा काम करते हैं, रात में गांव वालों को न्याय के बारे में समझाते हैं और दिन में मुझे। सुन, कहाँ जा रही है, तेरी वजह से यहाँ के लोगों की बेइज्जती हो रही है। सुनो, ऊंची आवाज में बात करना बंद करो, अंदर मेरी औरत सोई है। क्या बोला, मैं क्या किसी रखेल के साथ रहता हूँ, खाली पीली दिमाग मत खराब कर। नमस्ते मास्टर जी, आइए। रिटायर्ड होकर 5 साल हो गया है, सिर्फ आप ही टीचर का नाम से पुकार रहे हो। नमस्ते। हाँ हाँ, कैसे हैं भाई साहब? हाँ बहुत अच्छा हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा है। अरे प्रकाश बेटा, अभी तक ऑफिस के लिए नहीं गए, वक्त नहीं हुआ क्या? आइए पापा। हाँ, खेती करने के लिए बीज लेने आए ना। खेती बाड़ी को क्या तुम कम समझ रहे हो, गाँव में खेती का काम चल रहा है, कल 20 लोग काम करने के लिए आ रहे हैं, बीज लेकर वैसे भी तुम्हें देखने आया हूँ। ठीक है पापा, बैठिए, मैं मुंह धोकर आ रहा हूँ। तू ही तो जन्नत में। भाई साहब, कॉफी लेंगे या चाय? कॉफी दे दो बेटा। ठीक है बेटे, फोन। ठीक है, आ रहा हूँ। हेलो प्रकाश, मैं भावना बोल रही हूँ। बोलो भावना। सुब्रमण्यम स्वामी के बॉक्स में एक बॉक्स न्यूज डालना है। ठीक है। पहले जो न्यूज रेडी की थी वो कहाँ है? वो केबिन के कपबोर्ड को खोल कर देखो। ठीक है। हेलो, किससे बात करनी है? ललिता है क्या? ललिता से, एक मिनट रुको। क्यों री, फोन करके मेरी जान क्यों खा रही है? साड़ी खरीदनी है तो खुद जाकर खरीद ले। हेलो ललिता, वन सेकंड प्लीज। ललिता, तुम्हारा फोन है। अरे वो करुणा मैटर जो बनाया था ना, वही इशू। हाँ हाँ, मैं देख रही हूँ। ले लिया? हाँ ले लिया, थैंक यू। आपका काम अभी तक खत्म नहीं हुआ? नहीं बेटी, समझ में नहीं आ रहा मेरा काम कब खत्म होगा। 5 एकड़ जमीन रख के सारा दिन खेती बाड़ी के पीछे जिंदगी काट रहे हैं, और ये भी कम नहीं, काम के पीछे पागल है, खाना भी वक्त पर नहीं खाता है। इसकी शादी करवा कर आप भी इसके साथ रह सकते हैं ना। मैंने कब शादी के लिए मना किया, पिछले महीने चेन्नई में एक लड़की देखी थी, उसका बाप अच्छा आदमी नहीं है, शादी से पहले सब कुछ देखना पड़ता है ना। पापा, शिवाजी नगर में पिछले हफ्ते जो आपने लड़की देखी थी ना, वो 8वीं पढ़ी है, उससे शादी करनी है ना। अरे अरे रहने दे, तेरे लिए लड़की कब पैदा होगी तो यही सोच रहा है, वो पैदा हो भी गई है, समझा? मेरा पासबुक दिख नहीं रहा है, आपने देखा है? मैंने नहीं देखा है संध्या। भाई बुक केस में, एक बार देख लो। नमस्ते। नमस्कार, मुख्य समाचार। भैया। हाँ? आपने मेरा पासबुक देखा है क्या? नहीं बहन। चाहो तो तुम अपना अकाउंट नंबर और डिटेल्स दे दो, रात में न्यूज में बता देता हूँ।
बच्चे तो आसानी से स्कूल चले जाते हैं, लेकिन आपकी बहन को कॉलेज भेजना मतलब बहुत बड़ी टेंशन होती है। बस बस छोड़ो ना भाभी, भैया कोई छोटे बच्चे थोड़ी ना, जरूरत पड़ेगा तो मांग कर खा लेंगे। तुम्हारी शादी हो जाएगी ना तब तुम्हें पता चलेगा। तकलीफ हो रही है क्या? ये लो संध्या तुम्हारा पास। मैं कब से यहाँ वहाँ ढूंढ रही हूँ, ये तुम्हारे पास है? अच्छा भाभी चलती हूँ भैया। सुनिए जी, आपको तो रात में काम पर जाना है ना, तो फिर आप संध्या को कॉलेज ड्रॉप कर दीजिए। ओके। नहीं भाभी मुझे बैंक जाना है, चलती हूँ। बाय राहुल। बाय। एक्सक्यूज मी, क्या आप अपना पेन दे सकती हैं? पर क्यों? स्लिप भरने के लिए। आपको बैंक में काम है ये आपको पता था ना? हाँ पता है। आप बैंक में क्या करने आए हैं? कैसी बातें कर रही हो, एक पेन के लिए इतने सवाल पूछ रही हो? वो इसलिए कि आप बैंक में क्या करने आए हैं? पैसा जमा करने के लिए। पैसा जमा करने के लिए फुल स्लिप भरना होता है। पैसा लेकर आ सकते हैं लेकिन लिखने के लिए पेन नहीं ला सकते। ये किस तरह का केयरलेसनेस है सर, पैसा डिपॉजिट करने आए हैं लेकिन पेन साथ में नहीं लाए। मैं अपना पेन नहीं दूंगी सर। सर काफी। हाँ थोड़ा, तेरी आँख को क्या हुआ? सर मुझे ऑफिस आने में देर हो जाएगी इसलिए ऑटो से आया सर, फिर अचानक मुझे मीटर में शक हुआ और जब मैंने पूछा तो ऑटो ड्राइवर ने ब्रेक मार दिया। ये उसी का घाव है सर। एक्सक्यूज मी सर, कलर फॉर्म तैयार है, सिर्फ आर्टिस्ट का फोटो लगाना है। तुम ये कॉलम न्यूज को हटा दो और फोटो को फुल पेज पे छाप दो। फिर वो मैटर सर? फोटो ही तो मैटर है ना। ओके सर। सुनिए जरा, चार रुपए का टिकट ले लो, चार रुपए का टिकट देना। टिकट किसे चाहिए? टिकट सुनो, एक चार रुपए का टिकट लेना। एक चार रुपए का टिकट? चार रुपए के टिकट के लिए 100 रुपए दे रहे हो? चुट्टा क्या मैं घर से लाऊंगा? टिकट मैंने नहीं उन्होंने मांगा है। कोई भी होने दो, खुद बताओ हर आदमी के पास, क्या मैं खुद जाऊँ? हाँ क्यों भाई, ये क्या 4 रुपए का टिकट के लिए 100 रुपए दे रहे हो? वो क्या आपने घर से छुट्टा लाएंगे? ये लो। मेरा नहीं है, तेरा है क्या? हाँ, मुझे नहीं चाहिए, ये आपकी टिकट है। मेरा नहीं उनका है। जिसने भी टिकट नहीं लिया उतर जाओ फटाफट, स्टॉप आ गया है, फिर चेकर से फंस के मेरी जान मत खाना। चलो जल्दी उतरो, उतरो जल्दी उतरो। हेलो, आपने टिकट नहीं लिया, आप भी जल्दी उतरो। तुम्हें बोल रहा है? अरे आपको बोल रहा हूँ। आपका रुपया। आप हर रोज कॉलेज बस से जाती हो ना? बिल्कुल। आपके घर से कॉलेज जाने के लिए 4 रुपए का टिकट लगता है ना? हाँ। फिर आते समय 4 रुपया छुट्टा लाना चाहिए था ना? आपने इस तरह 100 रुपया दिया तो बस का कंडक्टर बाकी 80 लोगों को कैसे छुट्टा दे सकता है? जो आपने मुझे पहले कहा वही आपसे कह रहा हूँ, गलती सबसे होती है लेकिन जानबूझकर नहीं करनी चाहिए। सर आप मंत्रिमंडल में बदलाव लाने वाले हैं ना? अगले हफ्ते गवर्नर से मिलने के बाद ही बता सकता हूँ। आप मिनिस्टर ध्रुव पांडे को फिर से मंत्रिमंडल में शामिल करेंगे क्या? किसी को पद देना और पद से हटाने का फैसला मैं नहीं कर सकता, सिर्फ कमेटी मेंबर्स कर सकते। पार्टी तो आपकी बात मानेगी ही ना सर? नो कमेंट्स। सर ये बताइए, सर प्लीज बताइए ना सर, सर सुनिए सर प्लीज, सर आप पार्टी से अलग हैं सर, प्लीज सर क्या बात क्या है, प्लीज सर, सर पोस्टर छपवा कर गरीबी से मैं राजनीति में नहीं आया हूँ। 5 इंजन फैक्ट्री और 15 लॉरी का मालिक हूँ मैं। मेरी शुरुआत एमएलए से हुई, अच्छे बुरे सभी काम मैंने किए हैं लेकिन आज तक मुझे किसी ने एक सवाल भी नहीं पूछा। 15 दिन तक तू जेल का खाना खाकर जो 4 पन्ने तूने लिखे उसी पर लोग मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, मैं तुझे नहीं भूलूंगा। ध्यान से सुनो, कोई भी राजनेता पुराने इतिहास को नहीं भूलता,
मेरी जिंदगी में लगे इस कलंक की पहली काली को मैं हर पल याद रखूंगा मरते दम तक। ए चलो रे। देखो एक दिन सारी दुनिया के किसान एक साथ हो जाएंगे, ले तलसाई ने कहा था। लेव तलसाई? हाँ, वो विदेशी हैं, छोटी छोटी कहानियां लिखते थे, लेव तलसाई। हो, लियो टॉल्स्टॉय। क्या कहा? लियो टॉल्स्टॉय, रशियन राइटर। ओ, लियो टॉल्स्टॉय, लियो टॉल्स्टॉय रशिया के छोटे कथा लेखक, उसका मतलब आज ही समझा। अभी आप क्यों सुना रहे हो? मुझे आज की रात मीटिंग में बात करना है। रशिया, लियो टॉल्स्टॉय, ऐसा वैसा नाम लूंगा तो नहीं चलेगा भाई, मुझे ना चार पांच जगह मीटिंग में भाषण देने के लिए जाना है। अरे सुनो, बिल देना भाई। बिल मैं दे दूंगा, आप चलिए। अच्छा ठीक। लियो टॉल्स्टॉय, रशिया का छोटा कथा लेखक। लियो टॉल्स्टॉय के कहने के हिसाब से आज के समुदाय में काम करने वालों के बारे में ख्याल रखने के लिए। कितना हुआ? सॉरी सर, थैंक यू सर। एक्सक्यूज मी। हाय। हाय, कहिए। यहाँ नहीं, मैं कुछ कहूंगा और आप मुझे कुछ और समझेंगी, नहीं बताना अच्छा है। बताइए ना। आप अपनी दोस्तों के साथ खा रही हो लेकिन सब लोग आपको घूर रहे हैं। क्यों? आपके कुर्ते से हटकर ब्रा की पट्टी दिख रही है, उसे सही कर लीजिए। रुकिए रुकिए रुकिए, आप तुरंत मत कीजिए, मेरे कहने से किया ऐसा लगेगा, मेरे जाने के बाद आप सही कर लो। बाय। थैंक्स। यहाँ मद्रास हाईकोर्ट में चल रहे 20 केस में से साउथ का केस सबसे ज्यादा चल रहा है, इसलिए मदुरई में हाईकोर्ट खुल गया है। इसके खिलाफ सभी वकील मिलकर लड़े थे। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, ये भी देखा जाए तो सही है, और चार पांच हाईकोर्ट खुले तो केस जल्दी खत्म हो जाएगा। मैं सही कह रहा हूँ ना? रिपोर्टर प्रकाश, मुझे पहचाना? आईएएस ऑफिसर करुणा मूर्ति। 6 महीने से कोर्ट और जेल की दीवारें देख रहा हूँ, इसका कारण तू है। मैं रिश्वत लेता हूँ ऐसा तूने अपनी मैगजीन में लिखा था, ये तो तुम्हें याद होगा ही। आज से 6 महीने पहले मुझे कितनी तकलीफ होती थी इस कोर्ट में आने के लिए, पता है ना? चलिए पीछे हटिए। बताइए। उस दिन तो तुमने मरून कलर का शर्ट पहना था ना प्रकाश, वैसे मैं तुझे कभी नहीं भूल सकता। उस दिन के सभी रिपोर्टर्स, फोटोग्राफर्स, पब्लिक, वो सब कहाँ है आज? ये सब वैसे ही चलेगा, मेरे बारे में ही क्या प्रकाश, हर्षद मेहता को भी लोग भूल गए। 400 करोड़ या 4000 करोड़ कितना लूटा ये सब मैं भी भूल गया हूँ, उसी तरह लोग मुझे भी भूल जाएंगे, लेकिन मैं तुझे नहीं भूल सकता हूँ प्रकाश, कभी नहीं भूल सकता हूँ। तुम्हारे लिखने की वजह से ही मेरी इज्जत चली गई, पद चला गया, शांति चली गई, स्टेटस भी चला गया। मुझे पूरा यकीन है मुझे सजा नहीं हो सकती, जिसके पास पैसा हो वो कहीं पर भी राज कर सकता है, समझे? मैं तो बाहर आ ही जाऊंगा, पैसा मिलेगा, कुर्सी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, उसके बाद मैं तुझे याद दिलाऊंगा और तू वो कभी भूल नहीं पाएगा, हमेशा याद रखेगा। जल्दी चल यार, आज तो क्लास के लिए लेट हो गए। हर हफ्ते तमिलनाडु में बेस्ट कॉलेज के बारे में हम लोग लिखते हैं, अब आपके कॉलेज के बारे में लिखना चाहता हूँ, इसलिए मैं आपके स्टूडेंट से मिलना चाहता हूँ। ये वुमेन्स कॉलेज है, इसलिए बाहर का कोई आदमी अंदर नहीं आ सकता, पर आप प्रेस वाले हैं इसलिए आपको परमिशन दे रही हूँ। मल्लिका, टेक केयर ऑफ देम। ओके मैम। आपका नाम? मेरा नाम प्रकाश है। गोविंदा, गोविंदा। आपकी शादी हो गई? बैचलर हूँ। तो कब शादी करेंगे? अभी करूंगा। मैं आपसे पूछने आया हूँ, लेकिन आप लोग तो उल्टा ही पूछ रहे हैं। तुम लोग चुप रहो, सर आप पूछिए।
एक लड़की अकेले में चुपचाप डरी सी लगती है, लेकिन आप लोग इकट्ठा हो गई तो मस्ती करती रहती है। ठीक है, आपने मेरी शादी हुई यही सवाल पूछा था ना, लेकिन आपका हस्बैंड कैसा होना चाहिए? आमिर खान की तरह होना चाहिए। आपका? बहुत अमीर होना चाहिए, दिखने में चाहे जैसा भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं। और आपका? मेरा हस्बैंड हिम्मत वाला होना चाहिए। हिम्मत वाला यानी 10 लोगों को मारने वाला होना चाहिए? एक लड़की का ब्रा दुपट्टा से बाहर दिखाई दे तो उस लड़की को सामने से जाकर कहे कि अपना ब्रा ठीक कर लो, ऐसा हिम्मत वाला इंसान चाहिए। ए, तुम उस रिपोर्टर से प्यार करती हो ना? हाँ। तो उसे बता क्यों नहीं देती? क्यों, मैंने इस तरह से कहा तो तू जान गई, तो वो भी जान जाएगा ना। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें डायरेक्टली कहना चाहिए। मैं नहीं बता सकती। सीधा उसके घर पे जा और बोल मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, आधी बात तो वो समझ ही जाएगा। उसका घर कहाँ है मुझे पता नहीं, तो पता कर लेते हैं। मेरी औरत बहुत खिटपिट करती है, हर काम मनुष्य निकालती है, इस तरह से चलता रहा तो मेरा क्या होगा, मैं बहुत दुखी हो गया हूँ। तुम इसके लिए क्यों रो रहे हो? औरत अगर डांटती है इसके बारे में सोचे ना, तो रोज आधा घंटा इसके बारे में सोचते रहेंगे, काम कभी नहीं कर सकेंगे। औरत का काम ही है डांटना। एक्सक्यूज मी। यस। यहाँ प्रकाश नाम का कोई रहता है? यही रहता है, क्या काम है? बस यूं ही मिलने आई हूँ। ऐसे ही मिलने के लिए घर पे क्यों आई हो? आपको तकलीफ है? ऊपर ही जाके मिल लो। ए, देखा? हाँ। इससे अच्छी तो तेरी औरत है, रो मत तू। ठीक है ठीक है। हाय। हेलो। मैं यहाँ आऊंगी सोचा नहीं था ना। इतनी जल्दी नहीं सोचा था। तो क्या सोचा था? वो क्या है ना, एड्रेस ढूंढकर इतनी जल्दी कैसे, कोई बात है जरूर, ये सब मुझे पता करना होगा। बैठिए ना, अच्छी तरह से बैठ जाइए। आप बताइए। वो मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। बात क्या है? बताइए। वो क्या है कि हाँ, आपने मेरे कॉलेज में आकर इंटरव्यू लिया था ना, वो इशू कब तक आने वाला है? दिशाएं पत्रिका तो हर हफ्ते आती है, ये तो दुनिया जानती है, सिर्फ आप ये पूछने के लिए आई हैं। नहीं, वो क्या है? मैं ये कहना चाहती हूँ। बताइए। वो बहुत बुक्स रखे हैं आपने, और मुझे बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है। नैनचल नारंग की किताबें बहुत हैं, उसके लफंगे नाम की एक किताब बहुत बेस्ट है, मैंने बहुत बार पढ़ा है, वो छोटी छोटी कथाएं और कविता। ठीक है, ये बात करने के लिए आप मेरे घर आई हैं? नहीं, वो मैं। वो मैं? हाँ, ये जीत कंपनी की डीवीडी है, इसे मैंने पिछले हफ्ते खरीदा था, और ये फोटो शरद सर ने लिए थे, ये ओरिजिनल बेल्जियम टाइल्स हैं। और क्या कहना है? सुनिए, मैं आपको मजाक करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैंने सब कुछ कह दिया है, सीधा आप जो कहने के लिए आई थी वो कह दीजिए, इसीलिए। हेलो। हे, मैं मल्लिका बोल रही हूँ। हाँ बोलना। बताना, कह दिया क्या? क्या अभी तक नहीं खाई हो? तुम मेरा इंतजार कर रही हो? क्या बकवास कर रही है? ओके, मैं आती हूँ, तुम वहीं रुकना, ठीक है? मेरी फ्रेंड खाने के लिए मेरा इंतजार कर रही है, तो मैं चलती हूँ। सो और कुछ बात नहीं है ना? सुन ले दिल की तू, सुन ले दिल की तू, सुन ले दिल की तू, है मेरी, तू है मेरी जिंदगानी। हमेशा सिर्फ हम मर्दों को ही कहना चाहिए क्या? तुम जरूर कहोगी और मुझे ढूंढ कर कहोगी। संध्या, संध्या, इस तरह दिल में प्यार दबाकर रखने से कुछ नहीं होने वाला, सीधे उसके घर जाकर आंखें बंद करके दिल की बात कह दे। हेलो। गुड मॉर्निंग प्रकाश, मैं तरुण बोल रहा हूँ। बोलो। जवानी की कहानी में कुछ कंफ्यूजन है, तू बताएगा क्या? ब्लू कलर की फाइल में लिखा है, देखना। हाँ वो तो सामने ही है,
अरे ये येलो टी शर्ट में कौन है? इसकी तो सबसे ज्यादा फोटो है। तुम्हारी कोई खास है क्या? कम इन। ए छी, वो कौन है ये मैं नहीं जानता हूँ, खूबसूरत है इसलिए लिया है। हाय। हे हाय, आओ संध्या बैठो। मैं यहाँ बैठने के लिए नहीं आई हूँ। जानता हूँ आप क्यों आई हो यहाँ, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। नंजिल नंजन की कथाएं बहुत अच्छी हैं और आप कथा कविता बहुत पसंद करती हो। ये शरद जी के लिए हुए फोटोज हैं, ये कहने आई हो बस यही ना? मैं जो अपने दिल से सोचता हूँ उसे फटाफट बता देता हूँ, उसे कभी दिल में दबा कर नहीं रखता। बोलो ना। मैं आपके सामने नहीं कह पा रही हूँ, एक रंगोली बनाने के लिए कहाँ से शुरुआत करूँ पता नहीं। ठीक उसी तरह आपसे कुछ कहना चाहती हूँ लेकिन कह नहीं पा रही हूँ, क्या करूँ? कहना नहीं चाहती लेकिन कह बिना रह नहीं सकती। मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। शादी के लिए तो पापा से बात करनी पड़ेगी, अगर तुम्हें प्यार करना है तो मैं अभी तैयार हूँ। इनकी हालत देख के तो दिल टूटता है, लेकिन सड़क पर ऐसी झोपड़ियाँ बनेगी तो ट्रैफिक जाम होगा, फिर तो तोड़नी पड़ेगी। ठीक है, ये लोग गरीब हैं, कुछ नहीं कहते हैं, तोड़ देते हैं। पैसे वाले जगह हड़प के बिल्डिंग बना लेते हैं, कोई पूछता है क्या? आप किसकी बात कर रहे हो? श्रीधर प्रसाद, उसने जितनी भी बिल्डिंग बनाई है जगह हड़प करके बनाई है। कॉरपोरेशन को ये सब कुछ पता है मगर कोई एक्शन नहीं लेती है। सर आपको भी तो पता है। श्रीधर प्रसाद का टेंडर जब आता है कोई भी अधिकारी उसको नहीं खोलता है। पापा मैं चलती हूँ, मम्मी मैं चलती हूँ। आज दोपहर में मदनलाल वाला केस को पकड़े तो कुल मिला के 3 केस की हियरिंग है। मदनलाल केस को जल्दी से खत्म कर दो। हम भी तो वही कोशिश में हैं, लेकिन पुलिस टांग अड़ा रही है, गरीब लोग भी तो उसी के साथ में हैं। साहब जी क्या है? मैगजीन में आपका फोटो छपा है। उसमें क्या लिखा है? सब बुरा लिखा है। हम लोग हर महीने लाखों रुपए देते हैं उन्हें, फिर भी बुरा लिखने की हिम्मत कैसे हुई? पूरे शहर में साहब जी की तस्वीर दीवार पर चिपकाई है। ये किसने लिखा है? रिपोर्टर प्रकाश। हम भी आते हैं साहब। कृष्णमूर्ति जी। हाँ हेलो प्रकाश। हाँ जी बोल रहा हूँ, कहिए। जगह हड़पने वाला श्रीधर प्रसाद बोल रहा हूँ। बोलिए। मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। मिल सकते हैं, मैं सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ऑफिस में ही रहूँगा, आप फोन करके ही आइएगा। मैं तुम्हारे ऑफिस के नीचे हूँ, तुम नीचे आओगे या मैं ऊपर आ जाऊँ? मैं आता हूँ। नमस्ते। तुम अभी जवान हो, उम्र 25-26 साल की होगी। 28 है। तुम्हारी उम्र का था तो पहली गलती की, तब से मैं सब गलत कर रहा हूँ। देखो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट से गली से पंचायत तक बहुत सारा काम है, हमेशा मेरे साथ 10-15 लोग रहते हैं। इतनी गलतियाँ करता हूँ तब भी मेरे खिलाफ किसी ने कोई गलत नहीं लिखा, जो अभी तूने लिखा है ठीक नहीं लिखा। टूटी हुई बिल्डिंग की तस्वीर छाप कर तुमने अच्छा नहीं किया, हमारी सारी गलतियां सबको मालूम पड़े तो हम सुधर गए। इस तरह लिखो,
क्यों बेटा, चौक गए ना? हड़प कर कर बनाए हुए 36 बिल्डिंग के लोग भी हमें जानने लगेंगे। देखो अभी सब खत्म हो गया है, तुम्हारे इस तरह से लिखने से मेरा 2 करोड़ का नुकसान हो चुका है। देखो 4 पन्ने लिखने वाले को आज मैं मिलने आया हूँ, फिर भी तुमने मेरा 2 करोड़ का नुकसान कर दिया है। मेरी बात याद रखना, इसके बाद अगर कुछ भी मेरे बारे में गलत लिखा तो इसका अंजाम ठीक नहीं होगा। समझदारी से काम करोगे तो तुम फायदे में रहोगे। मैं श्रीधर प्रसाद, फिर मिलेंगे। जरूर मिलेंगे सर। क्या चाहिए सर? कॉफी लोगी ना? 2 कॉफी लेकर आओ। ओके सर। क्या हुआ? ये लोग मेरे साथ काम करते हैं, तुम्हें साथ में देखेंगे ना तो मजाक उड़ाएंगे। जब कोई नहीं देखेगा तब तुम मेरे कंधे पर हाथ रखोगे? हम दोनों को कोई इस तरह से देखे तो प्यार करने वाला नहीं, कहीं चोरी से मजाक करने वाला समझेंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर दूसरों के लिए हम क्यों एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखना छोड़े? तुम कुछ और कह रही हो? देखो वो आदमी हमें कैसे घूर रहा है। मैं उसको समझाती हूँ। क्या समझाओगी? क्यों सर, आप हमें घूर क्यों रहे हैं? आप दोनों पब्लिक प्लेस में आराम से खंधे पे हाथ डालकर बैठे इसलिए। क्यों, समाज सेवक हैं? आपको इस बात की जलन है कि आपके साथ मेरी जैसी कोई लड़की नहीं घूम रही है, यही है ना? छोड़ो ना यार, जाने दो। ए, तुम क्यों हाथ उठा रहे हो? सर 50 साल के हो गए हो, टकलू भी हो गए हो, तो प्यार करने वालों से जल रहे हो, ये गलत बात है सर। मैं कह रही थी कि क्या हुआ? क्या हुआ? प्यार से जलस होने के लिए मेरी उम्र 50 साल की नहीं है और मैं टकलू भी नहीं हूँ, सही कह रहा हूँ ना मैं? आप हमारे प्यार को मना नहीं कर रहे हैं, इससे मैं बहुत खुश हूँ। अगर मेरे माँ बाप जिंदा होते तो उन्हें ज्यादा खुशी होती। उन्होंने लव मैरिज की थी, वो भी 1972 में। एक मैगजीन के लिए काम करते थे एज ए इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट। आपको धमकियां तो मिलती होंगी ना? धमकी मिलती रहती है लेकिन कुछ नहीं कर पाएंगे, उनके बारे में हमेशा लिखते रहेंगे यही डर है। लेकिन हम एक ही विषय को हमेशा नहीं लिखेंगे, डॉक्टर प्रकाश के बारे में लिखेंगे और अन्ना गुंडा के बारे में लिखेंगे, फिर हम राजनीति के बारे में लिखेंगे, ऐसा हर किसी के बारे में लिखते रहते हैं। हम हमारे न्यू पत्रिका में किसी को भी फैसला नहीं देते हैं, वी जस्ट रिपोर्ट, जो होता है वही बताते हैं। हमें सिर्फ हंगामा चाहिए, ये वो भी अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए हमारे लिए कोई दोस्त नहीं है और दुश्मन भी नहीं है। आप तो खुल्लम खुल्ला बोल रहे हैं। आप जिस तरह से बातें कर रहे हैं संध्या को बहुत अच्छा लग रहा है, क्यों? थोड़ा और लो। बस बस संध्या, बस रहने दे संध्या, वो कोई छोटा बच्चा है क्या? चाहिए होगा तो खुद ले लेगा। चोरी चुपके से ये क्या कर रही हो तुम? कोई चोरी चुपके नहीं, जब मैं यहाँ नहीं आऊंगी तब ये मेरे बदले तुमसे गुनगुना कर बात करेगी। ये सब मुझे डराने के लिए है ना? प्यार तो यादगार है लेकिन याद दिलाने के लिए कोई ना कोई निशानी तो चाहिए ना। तुम मुझे याद रखोगे कि नहीं मुझे पता नहीं, तुम तो फेमस रिपोर्टर हो ना, इसलिए मैं तुम्हें याद दिला रही हूँ। थैंक यू सो मच। ये तो बातें करेंगी लेकिन बदले में तुमने क्या दिया? क्या चाहिए? सवाल पूछने में माहिर हो, मुझे एक चुम्मी चाहिए, छोटी सी प्यारी सी। बस यही है ना? रुको रुको रुको, तुम क्या दोगे? अभी तुम क्या सवाल पूछ रही थी? पहले तुम मेरे सवाल का जवाब दो। क्या 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 कहा? हे, अभी मैंने कहा था ना? नहीं कहा। कहा था, जोर से कहूंगा सब मारे।
आंखों के पास, कानों के नीचे मैं चुम्मी दूंगा और ये आवाज देगी, यही आवाज हमेशा तुम्हारे कानों में गूंजती रहेगी। सर, हमें बिना सोचे समझे सरकार के खिलाफ इस तरह नहीं लिखना चाहिए। कैसे सरकार ने ऐसा काम किया? विधानसभा हो या न्यायालय हो, बिना गुनाह के कैसे किसी को अरेस्ट कर सकते हैं? क्या कत्ल किया है जो पुलिस ढूंढ रही है? सुनो, हम सब प्रेस वालों को सरकार को धमकी देना जरूरी है, वरना हमारा भी कल यही हाल होगा। नियम तोड़ने की वजह से रिपोर्टर को कैद किया गया, यही ना? मंत्री गुस्से में चले गए, अगर ये लिखना गलत है तो मंत्री उठकर चले गए, ये भी तो गलत है ना? इस तरह ये केस नहीं रुकेगा सर। आनंद विकादन को भी ऐसे ही अरेस्ट किया था, नतीजा क्या निकला? गवर्नमेंट को पैसा देना पड़ा। दीदी, चना चाहिए क्या? नहीं चाहिए। भाई, सीधे घर जाओगे या कोई दूसरा प्रोग्राम है? 8 बज गए, सीधा घर नहीं जाऊं तो बीबी मुझे डांटेगी। 8 बज गया, क्या हुआ? 8 बजे संध्या से मिलना था, अभी काम में सब कुछ भूल गया, चलता हूँ, बाय बाय। सॉरी संध्या, ऑफिस में डिस्कशन चल रहा था इसीलिए देर हो गई। कोई बात नहीं, काम के सिलसिले में तो लेट हो ही जाता है, कोई परवाह नहीं। हाँ, मेरा सेमेस्टर का रिजल्ट आ गया है, 80%। बहुत अच्छा है। संध्या, देर से आने की वजह से नाराज तो नहीं हो? ओफो, तुम भी ना। ओके, कल मेरे पापा आ रहे हैं, वो हमेशा मेरी शादी की बातें करते रहते हैं, लेकिन मैं खुद अपनी शादी के बारे में बात करूंगा। तुम चुप क्यों हो गई हो? मैं तुमसे एक सवाल पूछूं? पूछो। तुम अपने पापा से जब हमारे प्यार के बारे में बताओगे तो वो ये सुनकर कहीं ये ना बोले कि किसी और लड़की से शादी कर लो, तो तुम करोगे क्या? पापा ऐसा नहीं कहेंगे, जरूर हाँ कहेंगे। पापा हाँ करेंगे तो ओके, अगर नहीं माने तो फिर? जरूर वो मेरी बात मानेंगे। ओफो, तुम्हारे पापा हाँ कहेंगे तो हम लोग शादी कर लेंगे, 5-6 बच्चे पैदा कर लेंगे और खुशी से रहेंगे तो ओके। मैं बस आर्ग्यूमेंट के लिए पूछ रही हूँ, अगर वाकई में तुम्हारे पापा ने हमारी शादी के लिए मना कर दिया तो तुम क्या करोगे? ठीक है, मैं भी आर्ग्यूमेंट के लिए कह रहा हूँ, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा, पापा जिससे कहेंगे उसी से करूंगा। मैं भी वही चाहती हूँ कि ऐसा ही हो। ए, तुम क्या कह रही हो? हाँ, मैं ही तुम्हारे पास आई थी और मैं ही तुमसे प्यार कर बैठी थी और मैंने ही तुमसे किस मांगा था और आज मैं ही तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ और तुमने तो मेरे लिए कुछ भी नहीं किया। तुम्हारे पापा की पसंद की लड़की से शादी करने के बाद कभी कभी ये सोच लेना कि पापरी, मैंने संध्या को गवाकर बहुत बड़ी गलती कर ली है। एटलीस्ट शादी के बाद भी तुम्हारे पापा मुझे याद करने के लिए कभी भी मना नहीं करेंगे, मैं जानती हूँ। क्यों संध्या, तुम सो रही हो? हाँ, बोलो क्या बात है? कुछ नहीं, मैंने ऐसे ही फोन किया था। लगता है तुम मेरी बातों से दुखी हो गए हो। नहीं, नहीं या हाँ बोलो। हाँ, हम दोनों आपस में प्यार करते हैं, अगर नहीं मिल सके तो दुख होगा, इसलिए मैंने ऐसा कह दिया, डिस्टर्ब करने के लिए नहीं। सॉरी, मेरी वजह से तुम्हारी नींद खराब हुई। प्रकाश, तुम सिगरेट पी रहे हो ना? तुम एक और सिगरेट पीकर 10 बार सोचो। मैं भी 10 बार सोचती हूँ कि हमारे होने वाले बच्चों को हम क्या नाम देंगे, ये हम कल फैसला करेंगे। बाप रे, आखिर तुम हंसी दिए ना। गुड नाइट। गुड नाइट।
लड़की तो सही है, इसका परिवार कैसा है? लड़की के बारे में जान लिया है तो परिवार को भी जान लेंगे, और मैं तो कहती हूँ कि ये बहुत अच्छी लड़की है, आप ज्यादा सोचिए मत। इसमें सोचने वाली कोई बात नहीं है, जब इसने पसंद कर ही लिया है तो मुझे भी लड़की पसंद है। फिर भी ये लड़की दूसरी जाति की है, उसके संस्कार भी अलग होंगे, यही बात मेरे दिल में खटक रही है। दरअसल लव मैरिज मेरे लिए नई बात है। नाटक में कविता में प्यार की बहुत तारीफ करते हैं हम लोग, मजा लेते हैं, आप भी लोगों के प्यार के बारे में बताते रहते हैं, आप तो तमिल के शिक्षक हो, आप तो बच्चों को सिखाते हैं, हम आपको कैसे सिखा सकते हैं? मैं मना नहीं कर रहा हूँ, शादी से पहले लड़की देखने मैं भी नहीं गया था, मेरे पापा ने ही सब कुछ तय किया था, मेरे लिए बहू इसने ढूंढ ली। पापा अभी आपको पसंद है ना, आपको लड़की से मिलना है ना, आज मैं शाम को उसे यहाँ बुलाऊंगा। संध्या, हाँ? तुम्हारा फोन बज रहा है, आ रही हूँ। हाय प्रकाश। संध्या, हमारे लिए गुड न्यूज है, पापा हमारी शादी के लिए तैयार हो गए हैं। और क्या कहा उन्होंने? वो तुमसे मिलना चाहते हैं, कॉलेज खत्म होने के बाद मेरे घर आकर उनको नमस्ते कहोगी तो वो बहुत खुश हो जाएंगे। बाप रे, घर जाना है? हाँ। मैं नहीं आऊंगी। क्यों, तुम यहाँ नहीं आई हो? आई तो थी लेकिन अभी नहीं आऊंगी, अगर तुम मुझे ले जाओगे तो मैं आऊंगी। ठीक है, टीवीएस बस स्टॉप में वेट करना, मैं तुम्हें पिकअप करूंगा। ओके बाय। पापा मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ठीक है बेटा। हेलो, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है, मैं साड़ी पहनकर आऊँ या चूड़ीदार पहनकर? इसमें क्या कंफ्यूजन है, जो तुम्हें पसंद है उसी में आओ। ठीक है, चूड़ीदार पहनकर आती हूँ, वो मॉडर्न भी है और होमली भी है। ओके बाय। भाई साहब गुड मॉर्निंग। तुम्हारे तो गुड मॉर्निंग है, मेरे तो हर मॉर्निंग बैड मॉर्निंग है। तुम तो बाइक पे बैठे स्टार्ट किए निकल लिए, और मैं, मुझे कपड़ा धोना है, पानी भरना है, बहुत सारे काम है, मुझे क्या करूँ। हेलो। हेलो, मैं बोल रही हूँ। ए, अभी तुम्हारा क्या कंफ्यूजन है? खुले बाल में आऊँ या छोटी बना कर आऊँ? संध्या, ठीक है ठीक है, मैं अपनी पसंद से आती हूँ। हेलो। हेलो, मैंने फिर फोन कर लिया। स्टिकर बिंदी लगाऊं या सिंदूर लगाऊं, यही पूछना है ना? तुम्हें कैसा मालूम? तुम तो बहुत सारे सवाल पूछती हो। मैंने तुमसे पूछकर गलती की है क्या? बाय। सुनो, तुम मेरे घर से ऑफिस आने तक साड़ी पहनूं क्या, टीका लगाऊं क्या, ये सब पूछने के लिए 40 बार फोन कर चुकी हो। तुम जैसे रहती हो वैसे ही रहो, यही मैं पसंद करता हूँ, यही पापा को पसंद है। ओके बाय, दोपहर को मिलेंगे ठीक 3 बजे। ए, ठीक 3 बजे आ जाना। बाय बाय। हेलो संध्या, तुम कहाँ हो, इतनी देर रही हो, क्या बस, हुआ? बस एक एक करके सवाल करो, क्यों घबरा रहे हो? तुम हमेशा मेरे से पहले आकर इंतजार करती थी, आज नहीं आई इसीलिए घबराहट हो रही। इट्स ओके, तुम कहाँ हो, मैं तो बहुत देर से इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा तो ये बात है। साड़ी पहनूं या चूड़ीदार पहनूं ये पूछती हो, स्टिकर टिक्का लगाऊं सिंदूर टिक्का लगाऊं ये पूछती हो, नमस्ते करना है कि पहनना है ये पूछती हो, लेकिन जो टाइम दिया है उस टाइम पर नहीं आ पा रही हो। बातें ही करते रहोगे क्या, मैं तुम्हारे आने से 10 मिनट पहले ही आ चुकी हूँ। हे, तुम कहाँ हो? सीधा देखो, मैं तुम्हारे सामने ही खड़ी हूँ। टाइम देख रहे हो, नाखून काट रहे हो, बार बार सिगरेट पी रहे थे, मेरे लिए तुम बेसब्री से इंतजार कर रहे हो, इस बात की खुशी है। हेलो, अब तुम इस तरह खड़े रहोगे या कुछ बोलोगे? आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। अरे तुम शर्मा रही हो तो और सुंदर लग रही हो। तुम्हारे उड़ते हुए बाल तुम्हारे गाल को छू रहे हैं, तुम्हारे बदन को छू रही है और उड़ रही है ये चूड़ीदार, तुम्हारा शर्माना, फिर भी तुम इधर उधर नहीं दिखाई दे रही हो, ये सब चीजें तुम्हारी खूबसूरती बढ़ा रही हैं। बीच सड़क पर मुझसे इतना प्यार मत करो। मैं होने वाली बीवी को कहीं भी प्यार कर सकता हूँ, कौन पूछेगा? क्या कर रही है लड़की? करती हो, सिग्नल होने तक इंतजार करो। संध्या,
आज मेरे पापा शादी के लिए अगर हाँ कर दिए तो पहले हनीमून मनाएंगे उसके बाद शादी करेंगे। तो फिर 20 सड़क में मैं तुमसे गले मिल लूंगी। मैं भी यही चाहता हूँ। तुम तो चाहोगे ही, क्यों नहीं चाहोगे? सीधा घर जाने के बाद तुम्हारे पापा को सब बता दूंगी। हाँ, फिर देखना। सर ऐसा ही कहाँ पर है? बाहर गए हैं, आप राइटर से मिलिए। सर मेरा नाम प्रकाश है, मैं दिशाएं का रिपोर्टर हूँ। आप पहले बैठिए। सर आज दोपहर 3:30 बजे सर्कल के पास से लड़की का किडनैप हो गया है। लड़की का नाम संध्या है। थोड़ा डिटेल में बताएंगे? सफेद रंग की मारुति वैन से किडनैप किया है, जिसका नंबर TN22H2620। लड़की आपके रिश्तेदार है? सर वो मेरी बहन है सर, आप रिपोर्ट तो लिख लीजिए पहले। सर K3 पुलिस स्टेशन गया था, उन्होंने यहाँ भेज दिया। सुनिए सर्कल के इस तरफ का हिस्सा हमारे कंट्रोल में है, कंप्लेंट लिखना है। ऐसा ही राउंड पे गए हुए आते ही होंगे, बैठिए ना। आप तो लिख सकते हैं। एक मिनट भाई। हेलो प्रकाश, कहिए सर। तुम कहाँ हो? K4 पुलिस स्टेशन में हूँ, SI बाहर गए हैं, मैं वेट कर रहा हूँ। मैंने कमिश्नर से फोन पे बात की है, उन्होंने AC से मिलने को कहा है, मैंने सब कुछ बता दिया है, तुम लोग जाके उनसे मिलो। ओके सर। कब SI आएंगे, कब कंप्लेंट लिखेंगे? नहीं, क्या हो रहा है? नहीं लिख सकते, SI को आने दीजिए, वही लिखेंगे। AC ऑफिस चलेंगे, चलिए। मैं दिशा प्रेस से आ रहा हूँ, मुझे असिस्टेंट कमिश्नर से मिलना है। आप वहाँ बैठिए। सर दिशा प्रेस से कोई आए हैं। ओके। हाँ, सर मेरा नाम प्रकाश है, मैं दिशा प्रेस का रिपोर्टर। ओके, सर CM का यूजुअल ट्रिप है, 8 बजे निकलकर सीधे घर जाएंगे, सब बंदोबस्त कर दिया है मैंने। सर आज आनंद नगर से। हाँ कमिश्नर साहब से बात करो, काम हो जाएगा। क्यों भाई, पब्लिक प्रोसिक्यूटर आज यहाँ कैसे? कल उस गोविंद का केस है, सामने वाले वकील ने गवाहों को पैसे देकर खरीद लिया है। मैं तो सिर्फ एक सरकारी वकील हूँ, पब्लिक की तरफ से मुझे कोई सपोर्ट नहीं है। कोई बात नहीं, कल तुम जज बनोगे, लेकिन वो तो आखिर तक लॉयर ही रहेंगे। सर सर सुनो, आपको कोई भी प्रॉब्लम थी तो आप उस एरिया के पुलिस स्टेशन में जाते, या तो आप मुझसे मिलते। ये सब छोड़कर आपने कमिश्नर से कंप्लेंट की और अब मुझे उनकी सुननी पड़ रही है। हेलो कैसे हो? आ जाऊंगा डार्लिंग, देख लेते आ कल ऑफिस में मिलना। सर एक मिनट, दिन दहाड़े एक लड़की का किडनैप हुआ है, हम कंप्लेंट करें तो पुलिस वाले बोलते हैं ये मेरा एरिया नहीं है, दूसरे पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेंट करो, और वहाँ जब SI होंगे तभी कंप्लेंट लिखी जाएगी। जब मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं तो पब्लिक के साथ कैसा करेंगे? दीवारों पर पोस्टर लगाने से आप जनता के दोस्त नहीं होते। उस लड़की से तुम्हारा क्या रिश्ता है? मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ, उसी से शादी करूंगा। मान लिया कि आप उससे प्यार करते हो, लेकिन क्या वो आपसे प्यार करती है? मैं कहता हूँ कि वो आपसे प्यार नहीं करती, आप तो जबरदस्ती ही उसके पीछे पड़े थे और उसे शादी करने के लिए टॉर्चर कर रहे थे, इसलिए डर के मारे वो भाग गई। ऐसा मैं कहूँ तो आप क्या जवाब दोगे? सर आप बेकार की बातें कर रहे हैं। मेरी बहन गुम हो गई है, इसलिए आपके पास आए हैं, आप हमें निराश मत कीजिए। अब क्या करूं मैं, पिछले साल चेन्नई में गुम हुई लड़कियों की गिनती 1042 थी और इस साल भी अब तक 342 लड़कियां गुम हुई है, 30 साल से कम उम्र की 212 लड़कियां हैं। आपके लिए सिर्फ एक है और हमारे लिए 212 में से एक। उसका नाम है संध्या, उम्र 21 साल, उसका भाई न्यूज चैनल में काम करता है, माँ हाउसवाइफ है, वो जैन कॉलेज में पढ़ाई करती है, लाइब्रेरी साइंस फाइनल ईयर। 3 महीने से दिशा के रिपोर्टर प्रकाश से उसका अफेयर है,
बहुत जल्दी इन दोनों की शादी होने वाली थी। किडनैप हुआ कह रहे हो? कोई क्यों से किडनैप करेगा? आप ही सोचिए, आपने जिनके बारे में उल्टा सीधा लिखा है उन्हीं में से कोई होगा जिसने उसे किडनैप किया है। किडनैप का कारण तो आप ही हो, उसी एंगल से पुलिस भी पूछताछ करेगी। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अभी से क्या बात कर रहे हैं? आ जाओ, आओ भाई। मास्टर जी, ये संध्या के भाई भाभी हैं। मुझे लड़की से मिलाने वाला था, उससे पहले ये सब हो गया। इसे चुपचाप गांव में खेती बारी करनी चाहिए थी, पर ये प्रेस रिपोर्टर बन गया। मैंने मना किया, कितनी बार मना किया, मगर ये नहीं माना। हर किसी से दुश्मनी मोल लेता गया। अगर इसे कुछ हो जाता तो मुझे परवाह नहीं थी, लेकिन मेरी होने वाली बहू को लोग उठाकर ले गए। मैं क्या जवाब दूंगा लोगों को? संध्या इनसे मिलने गई थी, तभी यह हादसा हुआ है। इनके एमडी ने तो कमिश्नर को फोन भी किया था, और हम खुद सुबह कमिश्नर से मिलने गए थे। तो उससे कुछ नतीजा निकला क्या? चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ये सब ऊपर वाले का खेल है। कमिश्नर से मिलना है तो जाकर के मिल लेंगे, उसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं है। जिनके बारे में तुमने उल्टा सीधा लिखा है उन्हीं में से कोई होगा जिसने किडनैप किया है, और अब पुलिस भी उसी एंगल से पूछताछ करेगी। वापस फिर हम मिलेंगे, यही कहा था ना? प्रेस वालों से पंगा लिया तो मुसीबत बड़ी हो जाएगी, इसलिए तुमने उस लड़की का किडनैप करवाया, क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। कहाँ है संध्या? संध्या कहाँ है? ये तुम्हारे गुंडे मेरा कुछ नहीं कर सकते, बता कहाँ है? तुमने क्या कहा? तूने क्यों मारा? छोड़ो उसे। सुनो, पानी लेके आओ। बहुत तकलीफ हुई इसे, हम पर शक करके हमारे घर आया है। गुस्से में था इसलिए ऐसी बात की। तो हाथ उठाओगे? पागल हो गए हो? बोलो। ये मेरी बेटी है, नाम संध्या है, MBBS की पढ़ाई कर रही है। तुम अंदर जाओ। ठीक है पापा। बेटा, तुम्हारा गुस्सा और शक बिल्कुल सही है। मेरी दुश्मनी तुम्हारे से नहीं है, ना ही तुम्हारे घर वालों से। मैं गलत काम जरूर करता हूँ। मैंने किसी औरत को नहीं उठाया, ना ही किसी परिवार को कभी कोई तकलीफ दी। इसीलिए मेरी बीवी और बच्ची जब बाहर जाते हैं तो लोग उनकी बड़ी इज्जत करते हैं, क्योंकि मैं भी उनकी इज्जत करता हूँ। बेटा, वैसे मैं भी सबसे दोस्ती करता हूँ, लेकिन जरूरत पे दुश्मनी भी करता हूँ। पर तुमसे मैं दुश्मनी नहीं कर सकता, क्योंकि तुम अभी बच्चे हो। मेरी बात को गलत मत समझना। तुमको अगर इस मामले में मदद की जरूरत चाहिए तो मैं तैयार हूँ। संध्या का किडनैप नहीं किया है तो भी तुम अच्छे आदमी नहीं बन सकते हो। तुमने गलत किया था ये पूछने आया था, और गलत करने वाली लिस्ट में मुझे शामिल मत करो। मेरी समझ में कुछ भी नहीं आया, तुमने गलत समझ लिया। मैं अभी भी तुमसे कह रहा हूँ, तुम्हें कभी भी कोई भी मदद चाहिए तो बोल देना, मैं तैयार हूँ। उसी ने किडनैप किया होगा, वो झूठ बोल रहा है, उसकी बात का हम कैसे यकीन करें? मैं भरोसा करता हूँ, जवाब उसकी आंखों में मैंने देखा। मुंह झूठ बोल सकता है, लेकिन आंख कभी नहीं। नहीं, ये किडनैप श्रीधर बिरमल ने नहीं किया है। अरे यार, फिर किसने किडनैप किया है? इन 5 सालों में प्रकाश ने 114 लोगों के बारे में लिखा है, इसमें फिल्म वाले भी शामिल हैं। इसमें 37 लोग तो बहुत मुसीबत वाले हैं। इन 37 लोगों में से 3 लोगों को ज्यादा तकलीफ हुई थी, श्रीधर पीरामल, पूर्व मंत्री दुरई पांडे और IAS करुणामूर्ति। अभी मुझे सिर्फ 2 लोगों पर संदेह, हमारा पूर्व मंत्री, दूसरा IAS ऑफिसर। करुणामूर्ति दास को कोर्ट केस से हटाकर डिपार्टमेंट बदल दिया गया, लेकिन पद से नहीं हटाया गया, पद से सिर्फ दुरई पांडे को हटाया गया है। 14 सालों से वो मंत्री पद पे थे, लेकिन तुम्हारी जेल की स्टोरी से उन्हें पद से हटा दिया गया। क्या किडनैपर दुरई पांडे है? इतनी जल्दी फैसला नहीं ले सकते सर, दुरई पांडे मंत्री नहीं है, लेकिन राजनीति में अच्छा सपोर्ट है।
इसलिए हम लोगों से कभी सरकार का एडी नहीं मिलेगा सर। कोई बात नहीं, हम प्रेस को बंद कर देंगे। सुनो, जेल की कहानी से अगर मुझे बर्बाद होना पड़े तो मैं बर्बादी के लिए तैयार हूँ। तुम लोग हिम्मत मत हारना, सब मैं देख लूंगा। हेलो दिशाएं, जल्दी से प्रकाश को फोन। सर आप कौन बोल रहे हैं? संध्या के साथ वाला बोल रहा हूँ, कह दो। ओके एक मिनट। वो हवा में तीर मार रहा है। प्रकाश, संध्या के बारे में फोन आया है। हेलो। क्यों प्रकाश, तुम कैसे हो? कौन बोल रहे हो? संध्या कहाँ है? संध्या तो बहुत अच्छी है। तुम्हें क्या चाहिए? मुझे जो चाहिए हो तो मैं लाया हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनो प्रकाश, हम एक छोटा सा गेम खेलेंगे। तुम्हें 15 दिनों का वक्त देता हूँ, अगर तब तक तुम मुझे ढूंढ लोगे तो संध्या तुम्हें मिल जाएगी, वरना कभी नहीं मिलेगी। इस गेम में मजा क्या है जानते हो? फैसला क्या है जानकर शुरू करने वाला खेल है ये। हमेशा सब लोग चेस के खेल में आखिरी में ही चेक रखते हैं, लेकिन मैंने पहले ही चाल में चेक रख दिया है, क्योंकि जीतने वाला मैं ही हूँ। चेकमेट प्रकाश। हेलो हेलो, नंबर क्या है देखो? 9211-8764। ये तो मोबाइल नंबर है, बाद में सिम कार्ड फेंक देगा। तुम चिंता मत करो, वो कुछ नहीं करेगा। 15 दिन का टाइम दे रहा है ना, पूछो क्या चाहता है। वो कुछ भी नहीं मांग रहा है। वो मांगे या ना मांगे तुम चिंता मत करो, दोबारा फोन करेगा वो। तुम सो रहे थे इसलिए मैंने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मेरे इस घर में आने तक मेरे बदले ये तुमसे बातें करेंगी। सिर्फ मैं तुम्हें ढूंढते हुए आई, सिर्फ मैंने ही तुमसे प्यार किया है, सिर्फ मैंने ही तुमसे चुम्मा देने को कहा, और आज मैं ही तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तो भाई कोई फोन आया था? नहीं कोई फोन नहीं आया। ए पकड़, ए ले, चलो ले ले। नहीं खाएगी, नहीं खाएगी तू? आ बहुत चर्बी चढ़ गई तुझे। हाँ भाई, बॉस का फोन है। बोलो भाई। बहुत चिल्ला रही है क्या? नहीं भाई, वो थोड़ा सा मारा था ना इसलिए। तुमने क्यों मारा? अरे भाई वो खाना नहीं खा रही थी ना इसलिए मारा उसे। भाई एक ही थप्पड़ तो मारा था। क्या नंबर बता रहे हैं? TN22H2628। मैडम क्यों नहीं आ रहा है? कंट्रोल प्रेस करो, इस पर साइन कर। फाइल को देखकर जब काम करते थे तो काम अच्छा चलता था, लेकिन काम की स्पीड बढ़ाने के लिए कंप्यूटर लाए, फिर भी 2 घंटे ज्यादा लग रहे हैं। सर आपने क्या नंबर बताया था? TN22H2628। सर टीवीएस सुजुकी है, तांबाराम का है। टीवीएस सुजुकी? सर मारुति वैन थी, मैंने अपनी आंखों से देखा था। सर सिर्फ नई गाड़ियों का ही RTO ऑफिस में रजिस्ट्रेशन करते हैं, लेकिन चोरी की गाड़ियां और पुरानी गाड़ियों को जो डुप्लीकेट नंबर से चला रहे हैं उनमें से एक हो सकती है। ए रवि देखो तो जरा नीचे क्या हो रहा है। Yeah.
ये क्या हुआ? ज्यादा प्रेशर होने से फट गया लगता है। अच्छा हुआ ज्यादा कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ? टॉयलेट जाना है। जाओ। रमेश, इस फोटो में जो एड्रेस है उसको एसएमएस करो। और आपने जिस नंबर पर फोन किया है वो नंबर इनकरेक्ट है। ए, जरा फोन दे। अरे ये फोन कहाँ चला गया? हेलो प्रकाश। ए, संध्या, संध्या तुम कहाँ हो? ए, बताओ संध्या कहाँ हो तुम? बताओ। मैं बोल रही हूँ। मेरी आवाज सुन रही हो ना? हेलो हेलो। टू एट टू वन। टू एट टू वन किसे किया? टू एट टू वन तो चटपई। एक मोर। अभी मैं जा रहा हूँ, सही एड्रेस मिलते ही फोन करो। हेलो प्रकाश, मैं रमेश। बोलो। हाँ एड्रेस मिल गया। ध्यान से सुनो प्रकाश, वो 15 किंग रेडियो रोड पर है, हाउसिंग बोर्ड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में, उसका ब्लॉक नंबर 24 है। ओके, मैं देख लूंगा। ठीक है। कहाँ है? दूसरे माले में है। हेलो रमेश, मैं प्रकाश बोल रहा हूँ, वो नंबर वापस बोल। एक मिनट। 2829211। 2829211। ओके। क्या हुआ? यहाँ कोई नहीं है, मैं वापस फोन करता हूँ। हेलो। हेलो प्रकाश। हाँ मैं प्रकाश बोल रहा हूँ। तेरे जैसे रिपोर्टर को एक छोटा सा क्लू मिल जाए तो अंदर तक घुस जाएगा। संध्या से मिलने के लिए तुम बहुत तड़प रहे हो। क्या हुआ, जगह खाली है ना? संध्या कहाँ है? वो संध्यागर माता के मंदिर के झोपड़पट्टी में आ, वहाँ मदन नाम का आदमी मिलेगा, उससे पूछो। मदन का घर कहाँ है? उस तरफ। यहाँ मदन का घर कहाँ है? वो सामने वाला। मदन किधर रहता है? बाजू में पूछो। ए, तुम्हें कौन चाहिए? ए, मदन किधर है? कौन मदन? मदन नाम का कोई नहीं है यहाँ। तुम जाओ, जाओ, चलो चलो बाहर। हेलो, कौन बोल रहे हैं? वहाँ प्रकाश नाम का एक आदमी आया है, उसको दे दो। भाई आपका नाम प्रकाश है क्या? आपका फोन। हेलो। क्यों प्रकाश? संध्या कहाँ है? जहाँ वो नहीं है वहीं ढूंढ रहे हो। तुरंत तुम पुरा सेवक का मेम्स लॉज में पहुँचो। कहाँ? पुरा सेवक का मेम्स लॉज, रूम नंबर 224 में।
बस इतने ही? अरे मैं कल आऊंगा तो दे दूंगा ना डाल। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। क्या चाहिए? कौन है ये? ए रुके, कहाँ जा रहा है? वहाँ भी घूम रहा था, इधर भी घूम रहा है, कहाँ जा रहा है? हाँ प्रकाश, कौन प्रकाश? हे हेलो भाई, घबराहट हो रही है क्या? हे संध्या कहाँ है? वहाँ की सारी लड़कियों के चेहरे में तुम अपनी संध्या को देखा होगा ना, तुम्हें संध्या चाहिए तो नायर गार्डन में आ। हेलो हेलो प्रकाश, मैं चंद्रशेखर बोल रहा हूँ। हाँ हाँ बोलिए। पुलिस स्टेशन के बाहर खड़ा हूँ, लेकिन अभी तक कुछ डिटेल्स नहीं मिल पाई। अब तुम बताओ क्या करूँ? मैं फोन करता हूँ, बाद में फोन करता हूँ। हेलो क्यों भाई, दिल्ली से लॉरी आ रही है, सब सामान जल्दी से निकालो। मेरे दुकान का फोन तुमने क्यों उठाया? चलो यहाँ से। हेलो, हाँ एक लॉरी भेजने वाले थे ना आप, क्या हुआ बोलिए। हाँ हाँ हाँ, आप चिंता मत करिए। अच्छा अच्छा, उसको मैं कॉल बैक करता हूँ। ठीक है। वाह अरे वाह, तुम्हें मानना पड़ेगा, तुम तो बहुत एक्टिव हो गए हो। तुम्हारी संध्या तुम्हें चाहिए तो तीन बत्ती के चावल के गोडाउन में आ जाओ। हेलो। क्यों प्रकाश, डर गए क्या? संध्या कहाँ है? मैंने सोचा तुम प्यार में लड़के को ढूंढने के लिए आओगे, जैसे जैसे कहा तूने वैसा वैसा किया। संध्या कहाँ है? वो मेरे पास सुरक्षित है। अभी तुम उसे ढूंढने कहाँ कहाँ गया था? तुम्हें क्या चाहिए? जो मुझे चाहिए वो मेरे पास है। पहले तुम वसंत नगर झोपड़पट्टी में गया, वहाँ देशी शराब बना रहे थे, तुम्हें समझ में नहीं आया। तू लॉज में गया था, वहाँ वेश्यावृत्ति चल रही थी, ये तुम्हें मालूम नहीं पड़ा। और तू विजयनगर गार्डन गया था, वहाँ सब चोरी का माल बेचते हैं, एक लॉरी को आधे घंटे के अंदर सारे पार्ट्स को अलग करके बेच देंगे, ये भी समझ में नहीं आया। तुम वही खड़े हो ना उस गोदाम में, चोरी का चावल जहाँ छुपा कर रखते हैं, अभी तुम्हें कोई गलत नजर नहीं आ रहा है। ये प्रेस वाले सब ऐसे ही है, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं हो तो सारी समस्याओं को लिखोगे, अगर तकलीफ हो तो तुम्हें समस्या नजर ही नहीं आएगी। तुम लोग तो गरीब जात के हो, जो जो दिखता है उन सब को चूहा काटता है, इसलिए हम चूहे को मसाला वाला वड़ा डालकर पिंजरे में पकड़ते हैं, लेकिन पिंजरे में फंसने के बाद कोई भी चूहा मसाला वाला वड़ा नहीं खाएगा, कैसे बाहर जाए ये सोचता है। अभी तुम भी पिंजरे में फंसे हो, तुम्हें कोई भी गलती नजर नहीं आएगी, तुम आखिरी दम तक संध्या को ढूंढते रहोगे, लेकिन तुम कहीं भी ढूंढो संध्या तुम्हें नहीं मिलेगी। इस खेल में सिर्फ मैं ही जीतूंगा, चेकमेट हो गए प्रकाश। क्यों बेटा, तुम्हें वो लड़की मिल गई? तुम्हें क्या पड़ी है यही पूछोगे ना? मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, यही कहा था ना तुमने लड़की को? मैं अच्छा आदमी नहीं बन सकता हूँ, आमने सामने बात की थी ना तुमने, तुम्हारी ये अदा मुझे बहुत पसंद आई। वैसे भी मैंने तुमसे कहा था कि मैं हमेशा लोगों से दोस्ती करता हूँ। आप न्याय धर्म की बात करते हो,
यहां तो इसके लिए कोई इज्जत नहीं देता। यहां तो सब के सब झूठे हैं और मक्कार हैं, कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। इस देश की सभी नदियों में पानी बह रहा है हम कहते हैं, लेकिन एक मटके पानी के लिए हम तड़प रहे हैं। सिर्फ लगता है यहां पानी ज्यादा है, लेकिन नहीं है। दुनिया के पैसे वालों को देश में गिनती करें तो 50 में 10 भारत के हैं, लेकिन एक वक्त की रोटी के लिए भी लोग तरसते हैं। लगभग 52 करोड़ लोग रहते हैं यहां। बहुत पैसा है सिर्फ दिखता है, लेकिन है नहीं। ये हमारा देश आजाद है, कुछ भी बात करते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। लेकिन क्राइम के ऊपर अगर फिल्म बनाए तो फिल्म रिलीज नहीं होती, और पेपर में लिखें तो तुरंत पेपर के एडिटर को रातों रात कैद करते हैं। यहां आजादी सिर्फ दिखती है, लेकिन है नहीं। मैंने क्या गलती की? मैंने जो अपनी आंखों से देखा था और सुना था वही सब मैंने लिखा, उसकी इतनी बड़ी सजा मिली। इसलिए मैंने जिस लड़की से प्यार किया वो मेरे पीछे पीछे घूम रही थी, उसे मैंने खो दिया। यहां सही लोग जी नहीं सकते हैं। वैसे भी बचपन से मैं अच्छे बुरे काम करते आया हूं, लेकिन हम जी नहीं सकेंगे क्योंकि तुम्हारी तरह मैं कभी भी डरा नहीं था। इस देश की क्या गलती जानते हो? हमारे जैसे लोग जीतेंगे यही भरोसा करते हैं, तुम्हारे जैसे लोग डर जाते हैं और वो ही लोग हार जाते हैं। तुम्हारा प्यार सच्चा है? तुम तो ईमानदार हो ना, अच्छे आदमी हो ना, तो पहले अपने आप पे भरोसा करना सीखो कि मैं जरूर जीतूंगा। इधर आ, इसका प्रिंट बना के ला। तुम तो दिमाग वाली लड़की की तरह बात कर रही हो, लेकिन कार्टून देखकर बच्चों की तरह हंस रही हो। क्यों, हंसने में गुनाह है? इस तरह के कार्टून कैरेक्टर्स को, इनफैक्ट टॉम एंड जेरी को डिजाइन करने वाला वॉल्ट डिज़्नी भी तो बड़ी उम्र के इंसान है। ओफो, देखो ना, टी शर्ट भी खराब कर दी तुमने। अच्छी तरह देखो, और भी लग जाएगा। कट हो गया। क्यों, तुम फोन उठाने को क्यों मना कर रही थी? वो क्या है, भैया का फोन होगा इसलिए मैंने फोन उठाने से मना किया। प्रकाश प्लीज, फोन रिसीव मत। तुम पर्स में क्या रखी हो? दे दो मुझे फोन, दे दो ना प्लीज, ऐसा मत करो। छोड़ो, तुम दे दो प्लीज, दो ना फोन। आखिर तुम अपना बैग दिखाने में क्यों डर रही हो? मैं कुछ निकालूंगा नहीं, तुम्हें जाने की कोई जरूरत नहीं। संध्या भागो मत, बैग दिखा दो ना प्लीज। ए संध्या रुको, दिखा दो। संध्या प्लीज दिखा दो ना बैग। रुको संध्या, छोड़ो। ए संध्या, ए ए संध्या, इसमें क्या है मैं देखता हूं। रुको, मैं तुम्हें खुद दिखाती हूं। क्यों तुम अपने फोटो में हार बना कर रखी हो? हम तो सारे शहर को बुलाकर शादी करने वाले हैं, तो इसमें छिपाने की क्या बात है? वो तो शादी के बाद ही ना, लेकिन मैं तो रोज यही फोटो को देखकर दिल ही दिल में शादी के बारे में सोचकर बहुत ही खुश हो जाती हूँ। सुनो, बाहर पेपर का 1 किलो का 4.5 रुपया मिलता है और तुम 4 रुपया दे रहे हो। मेरा वजन तो बराबर होता है ना। उनकी बात का बुरा मत मानो। हाँ। मैंने पेपर 5-5 किलो के हिसाब से बांध कर रखे हैं। बहन जी, इसमें 200 ग्राम या 300 ग्राम ज्यादा लगता है मुझे। कोई बात नहीं, तुम ऐसे ही ले लो। बहन जी आप बहुत अच्छी हैं। मुझे इस तरह से 200 ग्राम या 300 ग्राम ज्यादा मिले तो मैं पुरानी साइकिल को बेचकर एक नई स्कूटी ले लूं। चलो अच्छा है।
बहन जी लगता है इसमें बहुत ज्यादा है। कोई बात नहीं, ऐसे ही दे दिया यही समझ। ऐसे फोकट में लेने की हद होती है बहन जी। बहन जी मैं तो इतना मुफ्त नहीं लूंगा, आप भी पैसे देकर पेपर खरीदती है। और फिर कल मैं आऊंगा तो आप मुझे ही पेपर दोगे ना। सब कुछ ठीक ठाक होना चाहिए, कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए, कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, सबका भला होना चाहिए। हाँ वाह वाह क्या बात है। बेवकूफ कभी फंसेगा ऐसा इंतजार कर रहे थे लगता है। हाँ बहन जी शांत क्यों हो गई, ये पेपर मैं पूरी बांधने के लिए खरीदता हूँ और यहाँ पेपर में पहला पन्ना सही होने के बाद बाकी सब पन्ने में छेद है, इसलिए अपना पेपर रखो अपने पास, समझी। ये सब बेचने के बाद भी पैसा नहीं मिलेगा। क्या करूं मैं, पुरानी साइकिल लेकर पुराना पेपर खरीद के धंधा करता हूं मैं। और आप लोगों को तो फटेले पेपर के पैसे चाहिए, और आप लोगों को तो एक किलो का 4.5 रुपए चाहिए। हाँ वाह वाह क्या लोग हैं, क्या जिंदगी है। छे, पुराना पेपर वाला आपकी वजह से मेरी बेइज्जती हो गई। वो पेपर वाला कितनी बातें सुनाकर चला गया मुझे, क्यों पेपर काटते हो बताओ। इज्जतदार औरत ध्यान से सुन, पहला पन्ना सब पढ़ते हैं, तीसरा पन्ना कोई नहीं पढ़ता। तीसरे पन्ने को पढ़कर ही मैं भाषण देता हूँ, यही मेरा काम है, इसी का पैसा मिलता है मुझे। तीसरा पन्ना कोई नहीं पढ़ता है, कोई भी नहीं पढ़ता तीसरा पन्ना कोई नहीं पढ़ता, कोई भी नहीं पढ़ता तीसरा पन्ना। जिस दिन संध्या का किडनैप हुआ उसके 15 दिनों के पहले का न्यूज़पेपर अच्छी तरह से देख लो। चौबीस तारीख का पेपर दिखाओ। कुछ मिला क्या प्रकाश? 24 तारीख को जेल सुपरिटेंडेंट राजन को डिसमिस कर दिया गया था। मैंने ही जेल के विषय में लिखा था, जेल के विषय के कारण ही उसे तकलीफ हुई। मंत्री डोगरा पांडे भी इसी में शामिल था ऐसा हम सोच रहे थे, लेकिन सामने बहुत मुश्किलें थी जेल सुपरिटेंडेंट को। 23 तारीख को जेएसपी राजन की नौकरी गई थी, एक हफ्ते के बाद संध्या का किडनैप कराया गया था। संध्या को किडनैप जेल सुपरिटेंडेंट राजन ने ही किया है। जेल सुपरिटेंडेंट राजन ने? ठीक कह रहे हो, मंत्री से लेकर श्रीधर पिनामल सब लोग मना कर रहे थे और केस भी किया, और उन्होंने मुझे धमकी भी दी। जेल सुपरिटेंडेंट ने तो कुछ भी नहीं किया, अभी वो कहाँ है और क्या कर रहा है इसके बारे में पता करते हैं, चलो। ओके एक मिनट। संध्या का फोन आने के बाद मैं नंबर देख कर उसी जगह पर गया था। तुम सही जगह पर आए हो लेकिन संध्या यहाँ नहीं है, ऐसा कहकर मुझे घुमा दिया। मेरा मन कह रहा है मैं पहले एक मोर जगह पर जाऊं तो सब मालूम पड़ेगा। बता जल्दी कहाँ है मेरी संध्या, बता। जेल सुपरिटेंडेंट और आमिर ने दोनों ने मिलकर उसका किडनैप किया है, वो उसको छुपाने के लिए जगह मांग रहे थे और मैं कुछ नहीं जानता। वो मुझे कभी ढूंढ नहीं सकता, इस जेल सुपरिटेंडेंट राजन ने किडनैप किया है, जान नहीं सकता है। और तुम्हें वो रिपोर्टर गली गली ढूंढ रहा है, वो बेवकूफ रिपोर्टर है। जेल में 15 दिन रहकर भी ये सही नहीं वो सही नहीं ऐसा मैगजीन में लिखकर क्या उखाड़ लिया, क्या मिला? मेरी नौकरी चली गई, काम था कोई आम काम नहीं, पुलिस की नौकरी। सब लोग पुलिस को ट्रैफिक पुलिस क्राइम पुलिस समझते हैं, और मैं जेल पुलिस सुपरिटेंडेंट ऑफ सेंट्रल जेल। पगार से ज्यादा फायदा बाहर से था, पगार तो हजारों में मिलती थी लेकिन रिश्वत लाखों में मिलती थी। तमिलनाडु में सिर्फ 9 जेल है, हम सिर्फ 9 लोग ही सुपरिटेंडेंट महाराजा जैसा काम करते थे, जेल के महाराजा। 4 दीवारी के अंदर जो होता था उसे बाहर कोई नहीं जानता था, लेकिन अभी 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 सब लोग जान गए हैं। इसका कारण तेरा लवर है प्रकाश, तेरा लवर। मैं ऐसा पूछता हूं, मैगजीन में 4 जोक डालो, कार्टून डालो और 2 लड़कियों की सेक्सी फोटो डालो, ये सब कुछ छोड़कर मीडिया वाले सभी के पीछे क्यों पड़े रहते हैं? समाज को सुधारेंगे
डॉक्टर को सिर्फ डॉक्टर का काम, पुलिस को सिर्फ पुलिस का काम और राजनीति में सिर्फ राजनीति का काम, लेकिन ये हमारे प्रेस वाले लोग सभी का काम क्यों करते हैं बताओ? सब जगह देखा लेकिन तुम्हें ढूंढ नहीं पाया, और वो दूसरा काम भी नहीं कर पाया, लेकिन तुम उसे किसी हाल में नहीं मिलोगी। ए, सर की बात मान लो, सारी दुनिया घूमने को मिलेगी और हमें भी ज्यादा पैसा मिलेगा। मैं सही कर रहा हूँ ना सर? मैं तुम्हें पहले दुबई दिखाने का इंतजाम करता हूँ। कौन? जेएसपी राजन? उनकी तो नौकरी चली गई थी, इसलिए 15 दिन पहले ही अपना घर खाली कर दिया है उन्होंने। उनके परिवार में किसी को आप जानती हो? नहीं, वो अकेले ही रहते थे और उनके साथ कोई भी नहीं रहता था। किससे मिलने आए हैं ये? ये राजन सर से मिलना चाहते हैं। वो घर खाली करने के बाद कहाँ चले गए, क्या कर रहे हैं, कोई नहीं जानता। सुनो प्रकाश, अब क्या करें? किसने किया ये तो पता चल गया, अब पुलिस के पास चलें? गुंडा गलती करे तो पुलिस के पास जाना चाहिए, लेकिन पुलिस करे तो? संध्या कहाँ है, कैसी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। उस सुपरिटेंडेंट को ढूंढ लिया तो संध्या मिलेगी। नहीं प्रकाश, सुपरिटेंडेंट को ढूंढने की जरूरत नहीं, वैसे वो मिलेगा भी नहीं। वो एक पुलिस वाला है, हमेशा गलती को सही करना जानता है। उसके लिए उसके उस साथी को अगर पकड़ लोगे आमिर, वो मिल गया तो अपने आप वो सुपरिटेंडेंट में मिल जाएगा। शहर में लड़कीबाजी होने का कारण सिर्फ आमिर है, उसके जानकारी के बगैर कुछ नहीं होता। वो हमेशा लड़कियों को किडनैप करके बेचने का धंधा करता है, यही उसका काम है। पिंडू बेटे का आसिफ भी उसके साथ मिला हुआ है, अगर हम उसे ढूंढ लेते हैं तो उसके पास संध्या की पूरी जानकारी। शेखर, तुम मेरे साथ 10 साल से काम कर रहे हो और जेल भी जा चुके हो, तुमने बहुत सारा गलत काम किया है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, ये एक लड़की का मामला है, संभाल के काम करना होगा। जब मैं जेल में था तब इन्होंने मेरी जान बचाई थी, अब लड़की मिलने तक मैं इनके साथ रहूंगा। बेटे तुम भरोसा रखो, हम जरूर जीतेंगे। भाई पहले पैसे की बात कर लो। इस लड़की के आगे पैसे की कोई कीमत नहीं है, जितना मांगोगे मिलेगा, माल अच्छा हो तो कीमत नहीं देखते। पैसे देने वाले के मुंह पे थूक रही है तू? लड़की मुझे पसंद है, मैं इससे निकाह करना चाहता हूँ, तुम लोग इसकी तैयारी करो। ए तो रुक, मैं देखता हूँ। रंजन जाके देखो आसिफ कहाँ है, सिर्फ देखना है, बाकी मैं देखता हूँ, जाओ। क्या बात है, इस तरफ क्यों आए हो? बस कुछ नहीं, थोड़ा सा काम था। शेखर, ये वही वैन है, संध्या को इसी में ले गए थे। क्या ये वही वही वैन है? वही स्टिकर है, बिल्कुल वही वैन है। आओ, संभाल के। ए, बोल रहे, क्या काम है? कुछ नहीं, तुम्हें देखने आया था, तुम यहाँ पर हो या नहीं, कैसा चल रहा है? मुझे पता है, बिना किसी काम के तू मुझे ऐसे ढूंढते ढूंढते मिलने के लिए तो नहीं आ सकता है, सही बोल रहा हूँ ना मैं? कोई तो जरूरी काम होगा तेरा, सही कह रहा हूं ना शेखर? लड़की कहाँ है? लड़की? कौन सी लड़की? कौन सी लड़की? तुम्हारा धंधा तो लड़कियों को बेचना ही है, एक लड़की को कैसे याद रखोगे तुम? पिछले हफ्ते शुक्रवार को सर्कल के पास से मारुति वैन से एक लड़की को किडनैप किया था। मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। हम सब जान के आए हैं, ये गाड़ी वही है ना जो बाहर खड़ी है? चल बता, हमें सब साफ साफ बता दो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अरे मैंने कहा ना कि मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। बता, बता, बता। मैंने तो सिर्फ गाड़ी दी थी, बाकी सब मालवनी का वीर जानता है। नहीं।
बताओ कहाँ है लड़की? बता बता जल्दी बता जल्दी बता बताता हूँ गोदंदा पानी स्ट्रीट नंबर 36 वहां सामने वही देखते हैं। अरे 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 कैसे चला रहा है? अरे देख के चला, उठाओ चलो उठाओ चलो उठाओ बाइक निकाल जल्दी, इसे चलाना नहीं आता, चलाने चले जाओ ना सर। चलो चलो साइड में ले लो, चलो भाई साइड में ले लो यार, चलो चलो। कैसे हो प्रकाश? संध्या मिली। बोलो प्रकाश। hey, राजन। तुम बहुत दिमाग वाले हो प्रकाश। संध्या कहाँ है और मैंने उसका किडनैप किया है भी तुम जान लिए हो। सच में तुम दिमाग वाले हो। hey, संध्या कहाँ है? संध्या कुछ समय पहले तक वहाँ थी, अब वहाँ नहीं है। हम दोनों के बीच चल रहे इस खेल में तुम दो कदम आगे हो, लेकिन जीतने वाला सिर्फ मैं हूं। चेकमेट प्रकाश। हे हेलो हेलो, क्या हुआ? संध्या यहां नहीं है, उसने जगह बदल दी है। इन चार दिनों में पांच जगह गए वो, लगता है वो लोग गाड़ी में घूम रहे हैं। सर पेपर डिजाइन तो तैयार है सर, आप ओके करेंगे तो प्रिंटिंग के लिए भेज देंगे। सर एक आइडिया बताता हूं, वो लोग एक जगह से दूसरी जगह बदल रहे हैं सिर्फ इसलिए चेहरा नहीं पहचानते, इसीलिए है ना सर, पहले जगह बदलने को बंद करना चाहिए और संध्या को हाईलाइट करना चाहिए, इसलिए इस कवर पेज को बदलकर संध्या का फोटो डालना चाहिए, सारा तमिलनाडु संध्या को पहचान जाएगा। बहुत अच्छा आइडिया है, तुम सही कह रहे हो, संध्या के नाम पर हम लोग एक आर्टिकल लिखते हैं, आर्टिकल के साथ संध्या का फोटो भी छाप देते हैं, फ्रंट पेज पर संध्या का फोटो रहेगा। हम लोग हर हफ्ते 60,000 पोस्टर छापते हैं। यस सर। लेकिन इस बार हम लोग 120,000 पोस्टर छापेंगे, तमिलनाडु की दीवारों पर संध्या का ही पोस्टर नजर आएगा, सुबह तक पोस्टर तैयार हो जाना चाहिए। कबूल है ये शादी को, ये शोहर को, ये मेहर को कबूल है? कबूल है ये शोहर को, ये मेहर को, ये शादी को? कबूल है कहो, कबूल है कह दो। क्यों सेठ, अभी तो कोई समस्या नहीं? प्रॉब्लम तो अब शुरू होने वाली है। क्यों? लड़की को दुबई ले जाना है ना, एक बार ये लड़की मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंच गई तो सारी प्रॉब्लम खत्म। अल्लाहु लना व लकुम।
किससे मिलना है? मैं इस लड़की के बारे में बताने आया। प्रकाश प्रकाश, तुमसे मिलने एक मौलाना आए हुए हैं। क्या? वो संध्या के बारे में बताने आए हैं। वो कहाँ है? संध्या को आपने कहाँ देखा था? संध्या नहीं, उसका नाम तो नूरजहां है। नूरजहां नहीं है, उसका नाम संध्या है। मैं इस लड़की से शादी करने वाला हूँ, उसे 5 दिनों से ढूंढ रहा हूँ। या अल्लाह, मैं तो पहले ही समझ गया था कि कुछ गलत हो रहा है। पासपोर्ट टिकट सब बना लिया है, लड़की को दुबई लेके जा रहे हैं। दुबई? आपने लड़की को कहाँ देखा था? एक मोर रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में हुआ है। कभी रेलवे स्टेशन बोलते हो, कभी पासपोर्ट बोलते हो, क्या कंफ्यूजन है? सोचने का वक्त नहीं है, एयरपोर्ट में फोन करके पैसेंजर लिस्ट में नूरजहां का नाम है या नहीं पता करो। थैंक्स सर। इंशाल्लाह। हेलो प्रकाश, एयरपोर्ट में इंक्वायरी कर ली है, दुबई जाने वाली प्लेन में पैसेंजर लिस्ट में उसका नाम नहीं है। लेकिन रेलवे स्टेशन में इंक्वायरी में पूछताछ की तो निजामुद्दीन एक्सप्रेस में नूरजहां के नाम से 3 लोग हैं, उसमें से 2 लोगों की उम्र 40 से ऊपर है और 1 लड़की की उम्र 20 साल है। डिपार्चर टाइम 10:00 है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, निजामुद्दीन जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 3 से रवाना होने वाली है। जल्दी चढ़ा। उठो, उठो ना, उठो, उठो, प्रकाश उठो।
नहीं उठेगा। चल। प्रकाश उठो, देखो ये मुझे लेके जा रहे हैं। प्रकाश उठो। प्रकाश। खत्म होते वक्त ही चेकमेट कहते हैं। अभी तेरा खेल खत्म हो गया। चेकमेट। हमेशा अच्छाई की जीत होती है। देखा, हमेशा भरोसा करना चाहिए। तो जीत अपनी होगी। क्या कर?